हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ख़ूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। हम लोगों को जाना था एक काम के सिलसिले में साउथ हॉल, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना लूँ साथ ही। तो साउथ हॉल का नाम जो लोग यूके में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। साउथ हॉल यूके के किसी भी पार्ट में हो तो मेरे ख्याल साउथ हॉल को जानते ही हैं, स्पेशली हमारे देसी लोग लाइक पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानी लोग और इंडियन सबको पता होता है साउथ हॉल कहाँ है, किधर है। और इसके बारे में इसकी बहुत सी खसूसियात भी हैं जो कि मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ इसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगती है, आप साउथ हॉल में आ जाएं तो आपको लगता नहीं है कि आप अपनी कंट्री से दूर हैं क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई लैंग्वेज का इशू है, आप यहाँ पर अपनी उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, जो लैंग्वेज आपकी है, जैसे कोई इंडिया से है तो वो गुजराती बोले, जो भी बोले सब चलता है यहाँ पर। यहाँ पर कोई मसला नहीं होता, सब देसी पीपल हैं हमारे ज़्यादातर, मोस्टली लाइक 80-90% जो यहाँ साउथ हॉल में लोग हैं वो देसी हैं हमारे। और जब मैं पाकिस्तान से यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, लाइक यूके में जब मेरा फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने जो एक स्टूडियो फ्लैट रेंट पे लिया था, मैं 2011 में यहाँ आई थी लंदन में, तो जो स्टूडियो फ्लैट था हमारा यहीं साउथ हॉल में था। और जब मैं पाकिस्तान से साउथ हॉल आई थी तो मुझे स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा, जब भी आप नई जगह पे जाते हैं, पहली दफ़ा आप अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर दूसरी कंट्री में आए, तो आपको डर तो लगता है, स्पेशली अगर आपको कहीं अकेला जाना पड़े तो मुझे भी लगता था जबकि साउथ हॉल था, अगर मैं आप सोचूँ तो मुझे हंसी आती है मैं कैसी बातें करती थी उस टाइम। 2011 की बात है जब मैं यहाँ साउथ हॉल आई थी, और इस पार्क के बिल्कुल साथ ही जो घर है उसमें एक वो स्टूडियो फ्लैट बना हुआ था, बहुत प्यारा सा, बहुत नाइस सा तो वहाँ मैं रही थी कुछ अर्सा, 2 साल मैंने वहाँ पर गुजारे थे, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। लेकिन स्टार्टिंग में ये होता था कि जब भी हम लोग आए, मेरे हस्बैंड तो पहले से यहाँ पर थे, लाइक मैं शादी के बाद यहाँ आई थी, तो मेरे हस्बैंड तब पहले हस्बैंड नहीं थे शादी सो फनी, शादी के बाद ही हस्बैंड मेरे, तो जब शादी मेरी 2010 में हुई थी और 2011 में मैं यहाँ आई थी। तो जी जब मैं यहाँ आई तो हस्बैंड मुझे कहा करते थे बाहर जाया करूँ जाके, लाइक जब वो जॉब पर हैं तो मैं घर पे बोर होती थी क्योंकि अपनी फैमिली नहीं थी यहाँ पर, अकेली थी बिल्कुल, तो वो कहते थे ज़रा बाहर जाओ। ये साथ ही हमारे घर के पास पार्क था, मुझे कहते थे इस पार्क में चले जाया करो, तो मैं पार्क में आने से डरती थी क्योंकि यहाँ पर एक ये बड़ा मसला है, बल्कि पूरे यूके में ही मसला है कि लोग ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। और साउथ हॉल पार्क में मैंने काफ़ी जगह पे ऐसे लोगों को देखा है जो बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं आराम से। और हम लोगों ने, आपको पता है, पाकिस्तान में नॉर्मली हम लोग नहीं देखा, बल्कि मैं जब तक पाकिस्तान में रही हूँ मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो, मतलब रियल नहीं देखा जो ड्रिंक करके इस तरह फिर रहा हो या कहीं आगे पीछे कहीं बैठा हुआ, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ जब मैं आई थी तो यहाँ देखने पड़ते थे, मतलब कोई वहाँ सामने बैठा है साउथ हॉल में, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ है। एक दो बार तो मैंने ऐसे लोग देखे जो ड्रिंक करके ज़मीन पे गिरे पड़े थे तो उनको देख के ना मेरी चीखें निकल जाती थी और मेरे हस्बैंड मुझे इतना, वो उस टाइम बोलते थे, कहते थे कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्यों इतनी घबरा जाती हूँ इनको देख के, क्यों डर जाती हूँ, क्योंकि वो पता है कि हमारे माइंड में एक चीज़ बनी होती है मूवीज़ वगैरह देख करके, हाँ ये ड्रिंक किया तो बस टून तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, लेकिन ये है कि पीकर वो गिरे बेचारे पड़े होते थे, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा घबराती थी उस टाइम। लेकिन अब चलो, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब काफ़ी अर्सा हो गया, यूज्ड टू हो गई, अब इतना फील नहीं होता। हेलो मम्मी, कम सिट एट द बैक। वेयर यू गोइंग वाहे? टू अमेरिका। कहाँ जा रहे हो आप? अमेरिका। अमेरिका, साउथ अमेरिका। रहीम, आप कहाँ जा रहे हो? साउथ अमेरिका। पाकिस्तान कोई भी नहीं जा रहा? आई एम गोइंग टू पाकिस्तान आफ्टर 2 इयर्स। मी टू। Where are you going? Sit in my car. Sit in my car, Mama. What? Sit here. Mama, come sit. Mama, you sit too. No, sit, I can't. Sit. You sit there, Mama. Where you want to go? Pakistan. Where you want to go? Pakistan. कहाँ जा रहे हो आप सब? पाकिस्तान। बाबा, where you going? पाकिस्तान। पाकिस्तान। शान, where you going? पीपी। उसको शान को भी कराओ। Cross the bridge। शान का तो मैंने भी चलानी है। पाकिस्तान। Where's my space? बच्चे तो खूब एंजॉय कर रहे थे, वैसे यहाँ लंदन में लॉकडाउन है,
लेकिन फिर भी मैं इनको पार्क वगैरह ले आज ले आई थी, काफ़ी टाइम बाद लेकर आई हूँ। मेरी स्कूल तो जा रही है क्योंकि स्कूल यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, स्कूल स्टिल ओपन है। तो बच्चों को मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनका इनकी आउटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इनको ले आए थे। हाँ, इवन के स्कूल में भी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, बट स्टिल ओपन है, स्कूल ओपन है। तो चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ बात करी थी साउथ हॉल के बारे में। साउथ हॉल की एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि यहाँ हमारे तमाम देसी चीज़ें मिल जाती हैं। एक यहाँ पर क्वालिटी फूड है जिसके और भी कुछ ब्रांचेज हैं लंदन में। तो जो साउथ हॉल में उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। एक साउथ हॉल है, साउथ हॉल जहाँ पर फिनिश हो रहा है, एक हेज़ बाईपास के पास है। जो लोग लंदन में रहते हैं उनको तो पता होगी इस जगह का, हेज़ बाईपास के पास है साउथ हॉल के, थोड़ा से थोड़ा सा आगे जाएँ तो वहाँ जाती है जगह। वहाँ पर भी इसकी एक ब्रांच है क्वालिटी फ़ूड की, वो थोड़ा बड़ा है। तो काफ़ी आपको तमाम चीज़ें हमारी देसी किचन की जो हमारी चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी वगैरह तमाम यहाँ मिल जाती है। इवन कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कुछ अर्से पहले की बात है, यहाँ पर पाकिस्तानी खरबूजे भी आए थे, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था पाकिस्तानी खरबूजा तो पाकिस्तानी मेलन, तो वो भी आया था यहाँ पर। और इस तरह पाकिस्तानी मैंगोज़ भी आते हैं यहाँ पर, जब मैंगोज़ का सीज़न होता है तो पाकिस्तानी मैंगोज़ भी आते हैं, लेकिन थोड़े कम आते हैं, कम टाइम के लिए आते हैं। और ऐसी जो ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं वो कभी कभी होती हैं, मतलब हमेशा नहीं होती हैं। आप हमेशा जाओ तो आपको नहीं मिलेंगी। एक बार यहाँ पर पाकिस्तानी गाजरें आई थी जो रेड कलर की होती हैं, प्रॉपर जो हमारी पाकिस्तान में गाजरें होती हैं रेड वाली, वो वाली भी आई थी। और उन पर बाकायदा फिर वो कंट्री का नाम भी मैंशन किया जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, कुछ चीज़ों पर जो स्पेशल टाइप की हों स्पेशल आती हैं। और एक दो बार यहाँ पाकिस्तानी जामुन भी आए हैं लेकिन वो बहुत कम। और कुछ दफ़ा मैंने यहाँ कचनार देखी है, कचनार नॉर्मली मैंने कभी नहीं देखा, बस ही क्वालिटी फूड में एक बार देखी थी और उस पर बाकायदा लिखा हुआ था पाकिस्तानी कचनार, मतलब कि पाकिस्तान से वो आई थी तो ऐसे भी यहाँ पर होता है और मज़े की चीज़ें होती हैं वो, लेकिन मिलती बहुत कम है, बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन जो लोग आते रहे, रेगुलर आते रहे, उनको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है क्योंकि वो आए दूसरी कंट्री से, स्पेशल हमारे पाकिस्तान और इंडिया से आया होता है तो पता चल जाता है। अब क्वालिटी फूड में ज़्यादातर चीज़ें मुझे लगता है इंडिया की हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी कुछ कुछ मिल जाती हैं। लेकिन बता ये कि आपको हर आपकी देसी चीज़ मिल जाती है, हर आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है यहाँ पर, ये इसका बहुत फ़ायदा है। और कपड़े वगैरह या पाकिस्तानी इंडियन तमाम हमारे कपड़ों की जो वराइटीज़ होती हैं वो यहाँ साउथ हॉल में ईज़िली मिल जाती हैं। ईज़ी देसी और हलाल खाने आराम से आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर जलेबी, जंक्शन की जलेबी बहुत मज़े की है, वो भी बहुत टेस्टी है, जब कभी आप आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और निराला भी है यहाँ पर, है निराला की स्वीट तो सभी जानते हैं। साउथ हॉल के बहुत सी मूवीज़ में जिक्र हुआ है, एक तनु इट्स मनु में तो इसका एक बहुत ही फ़नी सा क्लिप था, बहुत हंसी आती है उसको देखकर। साउथ हॉल के बारे में उन्होंने थोड़े से फ़नी सी बातें की थी। नाइस प्लेस है शॉपिंग के लिए और आउटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय।